चलिए शाओमी की अपडेट के बारे में बात करेंगे। शाओमी की जो अपडेट्स है वो आज के डेट में बहुत से डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिलता है, स्पेशली MIUI अपडेट्स आपको देखने को मिलेगा आज के डेट में बहुत सारे डिवाइस में। क्या है अपडेट, क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन से वर्जन पे रोल आउट हुआ है, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा अपडेट के साथ, फीचर्स क्या है, क्या सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको इस तरह के अपडेट न्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करके रख सकते हो, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं Xiaomi की तरफ से जो अपडेट्स रोल आउट हुए उन्हें। चलिए जितने सारे अपडेट्स है वो मैंने सब कुछ नोट कर लिया आप लोगों के लिए और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे Xiaomi की तरफ से जो अपडेट हमें देखने को मिलता है, Xiaomi 11i एंड 11i हाइपर चार्जर इंडिया में जो है आपको अपडेट देखने को मिलता है। आपको पहले ही बता दूँ, सारे जो अपडेट्स है वो इंडिया में रोल आउट हुआ है, इंडिया के बाहर एक भी अपडेट में लाता नहीं हूँ चैनल पर, ठीक है। इंडिया में जो अपडेट रोल आउट हुआ है उन्हीं के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो जो अपडेट आपको देखने को मिलता है Xiaomi 11i एंड Xiaomi 11i हाइपर चार्जर के अंदर आपको अपडेट देखने को मिलता है। वर्जन के बारे में बात करें तो 13.0.8.0 SKTINXM एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको अपडेट देखने को मिलता है। और सिस्टम्स के बारे में बात करें, चेंज लॉग में आपको देखने को मिलेगा December 2022 का एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा इस अपडेट के साथ। चलिए नेक्स्ट अपडेट हमें देखने को मिलता है Xiaomi की तरफ से पोको X3 Pro के अंदर। ये अपडेट इंडिया में रोल आउट हो गया है, एक स्टेबल अपडेट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले वर्जन के बारे में बात करें तो आपको देखने को मिलता है 13.0.5.0 वर्जन आपको देखने को मिलता है SJUINXM एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको अपडेट देखने को मिलता है। चेंज लॉग डिटेल्स के बारे में बात करें तो अपडेट एंड्रॉइड वर्जन जो आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 12 के ऊपर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा January 2023 का। तो ये अपडेट भी पोको X3 Pro के अंदर इंडिया में जो है Xiaomi की तरफ से रोल आउट कर दिया गया है। चलिए अब बात करें एक और अपडेट के बारे में इंडिया में जो रोल आउट हुआ है वो है पोको X5 Pro 5G के अंदर। पोको X5 Pro 5G के अंदर जो है लेटेस्ट अपडेट को इंडिया में रोल आउट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको MIUI 14 बेस अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो वर्जन आपको देखने को मिलेगा 14.0.7.0 SMSINXM एंड्रॉइड 12 के ऊपर अपडेट है। एंड्रॉइड 13 अपडेट अभी भी पोको X5 Pro 5G के अंदर देखने को नहीं मिला है इंडिया में, बट एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको January 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है पोको X5 Pro 5G के अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो Redmi की तरफ से अपडेट हमें देखने को मिल रहा है Redmi Note 10 इंडिया के अंदर। Redmi Note 10 इंडिया में जो है Xiaomi की तरफ से एक और अपडेट भेज दिया गया है। यहाँ पे आपको जो वर्जन देखने को मिलता है 13.0.4.0 SKGINXM एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको अपडेट देखने को मिलता है इंडिया में जो है अपडेट रोल आउट हुआ है, जहाँ पे आपको December 2022 का एंड्रॉइड की तरफ से सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 10 के अंदर। तो लास्ट अपडेट हमें देखने को मिलता है आज के डेट में Redmi 10C इंडिया में जो है इस डिवाइस के अंदर Xiaomi की तरफ से अपडेट जो है वो रोल आउट कर दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एक स्टेबल अपडेट देखने को मिलता है, जहाँ पे वर्जन आपको देखने को मिलेगा 13.0.3.0 SGINXM एंड्रॉइड 12 के ऊपर अपडेट देखने को मिलेगा, जहाँ पे January 2023 का लेटेस्ट एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के साथ Redmi 10C के अंदर। तो इतने सारे अपडेट जो है Xiaomi की तरफ से रोल आउट किया गया है आज के डेट में। आपको इनमें से कितना अपडेट देखने को मिला है नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और वीडियो के साथ बहुत सारे अपडेट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा।